नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्दाफाश की स्पेशल न्यूज बुलेटिन। शराब का नशा पड़ा शारीरिक शिक्षक को भारी, पुलिस कार्रवाई के साथ निलंबन भी। उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य कोटड़ा तहसील के एक सरकारी स्कूल में उत्पात मचाने वाले पीटीआई को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। शारीरिक शिक्षक देवीलाल मीना ने मंगलवार को सभी स्टूडेंट्स के सामने शराब के नशे में अपने कपड़े उतार दिए थे और 3 घंटों तक स्कूल में जमकर हंगामा किया था। स्कूल प्रिंसिपल आलोक शर्मा व अन्य अध्यापकों ने जब शारीरिक शिक्षक को रोकने की कोशिश की तो उक्त शराबी शिक्षक ने उनको दांत से काटा और नाखून भी गड़ा दिए। स्कूल स्टाफ ने जब शराबी शिक्षक को समझाते हुए कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर चले जाइए, तो शिक्षक ने और ज्यादा गाली गलौज शुरू कर दी थी। स्कूल में हंगामा होते हुए देखकर आसपास रहने वाले ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस हंगामे के बीच पीटीआई ने नाखूनों और दांतों से काटकर प्रिंसिपल और अन्य टीचरों को जख्मी कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद पीटीआई देवीलाल ने एक एक कर अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। स्कूल में अचानक हो हल्ला सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने भी शिक्षक को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उक्त शिक्षक ने किसी की नहीं सुनी। मामला बिगड़ता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मांडवा थानाधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पीटीआई देवीलाल को धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे चेतावनी देकर जमानत पर रिहा किया गया। गांव वालों का कहना है कि पीटीआई पहले भी कई बार शराब पीकर हंगामा कर चुका है। स्कूल प्रिंसिपल आलोक शेखर शर्मा ने बताया कि पीटीआई 12 बजे स्कूल आया था, शराब के नशे में वो धुत था। उसे बहुत समझाया गया लेकिन वह नहीं माना और स्टाफ के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया। मामले में कार्रवाई के लिए प्रिंसिपल द्वारा उपखंड व जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने पीटीआई द्वारा मचाए जा रहे हंगामे को मोबाइल में रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मामला राजस्थान बाल आयोग तक भी पहुंचा। बाल आयोग के सदस्य डॉक्टर शैलेंद्र पंड्या ने बताया कि पीटीआई द्वारा अभद्र घटना एवं मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान लिया जा चुका है और पूरे मामले की जाँच व आवश्यक कार्रवाई हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उदयपुर जिले के कोटड़ा स्थित खजुरिया के राजकीय विद्यालय में शारीरिक शिक्षक द्वारा बच्चों के सामने अभद्र व्यवहार और जो मारपीट की घटना सामने आई है, वास्तव में निंदनीय है। राजस्थान बाल आयोग द्वारा उक्त मामले में संज्ञान लेने के साथ विभागीय अधिकारियों से बात की गई है और संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इसकी आवश्यक जांच करके पूरी रिपोर्ट आयोग में मंगवाई जा रही है और संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक उदयपुर द्वारा पीटीआई देवीलाल मीना को शराब का सेवन कर विद्यालय में संस्था प्रधान व अन्य कार्मिकों के साथ मारपीट, अभद्र भाषा का प्रयोग करने एवं विद्यार्थियों के समक्ष अर्धनग्न अवस्था में घूमने के कारण निलंबित किया गया।